हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल रिएक्शन। आज का वीडियो बहुत ज्यादा आपको पसंद आने वाला है। आज हम बात करेंगे गुजरात में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अपनी कलेक्शन कैंपेन को, इसमें उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों को मारने के लिए डोजियर्स नहीं भेजेंगे बल्कि सीधा घर में घुस के मारेंगे। इस बात को पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सीरियस लिया गया है। वीडियो देखते हैं कि क्या खबरें आई हैं इस स्टेटमेंट के बाद। बट स्टार्ट करने से पहले, जिन फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया करें। चलो स्टार्ट वीडियो। डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अब हम दहशत गर्दों को डोजियर्स नहीं भेजेंगे, अब तो ये नया इंडिया है, हम तो घर में घुस के मारेंगे, उनके होम टर्फ पे मारेंगे। बेइज्जती, इंसल्ट मिली है, जलालत मिली है, हमारे पासपोर्ट दे के हमारे मुंह पे मारते, कहते साइड पे हो जाओ, तुम्हारे अलग से तलाशी होगी। इंडिया ने सब कुछ, इंडिया आज भी तजारत कर रहा है ईरान के साथ, हमें हमारे धोतियां खुल जाती हैं, ओहो ईरान के साथ तजारत नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो फिर यही होना है ना। एक चीज नजर आती है कि उनकी नजर में अब पाकिस्तान की वो अहमियत नहीं है और भारत ये तासुर देता है कि अब भारत के लिए पाकिस्तान मैटर नहीं करता। ये जो बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के हवाले से, ये इसका एक पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है। इसी बात देखें, बनाना रिपब्लिक हमारा मुल्क है और लेकिन पिछले 76 साल से है। पहली बात ये है कि इसमें वो लोग शामिल हैं जो किसी न किसी तरीके से भारत में या कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं, मिलिटेंसी में उनको अरेस्ट किया गया। वो मईशत जिसका एक क्रॉप और फॉरेन फंडिंग और कर्जे पे जिसकी डिपेंडेंस है, वो बनाना रिपब्लिक है। हमारे यहाँ बनाना रिपब्लिक ये है, और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये प्रॉब्लम इसी वजह से है कि हम बनाना रिपब्लिक है। भारत ये कहता है कि अब अगर भारत की फॉरेन पॉलिसी देखें तो उसमें जो पाकिस्तान स्टैंड नोवेयर। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बुधवार को पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज का भारत अब आतंकवादियों पर दूसरे मुल्कों को डोजियर नहीं भेजता, ये नया भारत उनके घर में घुसकर आतंकियों का सफाया करता है। 10 साल पहले देश आतंकवाद से जूझ रहा था, आतंकवाद कहां से आ रहा है ये जानने के बावजूद पिछली सरकारें पाकिस्तान को डोजियर भेजती थी। प्राइम मिनिस्टर गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मत नगर शहर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, पिछली सरकारें जब आतंकवादी आते थे और हमले करते थे, मुंबई में 26/11 कर दिया, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बम धमाके होते रहते थे, लोग मारे जाते थे, कश्मीर में आए दिन हमारे वीर जवान शहीद हुआ करते थे, उस समय की कमजोर सरकार डोजियर भेजा करती थी, डोजियर में जानकारियां और आतंकवादियों की फोटो भेजते थे कि ये आपके यहां से आए हैं और इन्होंने हमला किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, ये नया भारत है, ये डोजियर नहीं भेजता, सीधा पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को खत्म करता है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अब हम दहशत गर्दों को डोजियर्स नहीं भेजेंगे, अब तो ये नया इंडिया है, हम तो घर में घुस के मारेंगे, उनके होम टर्फ पे मारेंगे। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तानी समझ रहे हैं कि ये सीधी खुल्लम खुल्ला वायलेशन है कि एक मुल्क का जो वजीर आजम है वो दूसरे मुल्क को कह रहा है कि हाँ हम आपके मुल्क में घुसेंगे मारेंगे। मेरे साहब कैसे देखते हैं ये, जो पहले जरा वजीर आजम मोदी साहब की बात कर लें और फिर ये कश्मीर वाली पर बात कर लें। सर देखें जी, मोदी साहब वाली जो बात है वो इसको इस तरह आप ब्लैक एंड वाइट में भी हम नहीं देख सकते कि वो जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, उसको किसी मुल्क के अंदर मदाखलत करार दे दिया जाए। चूँकि जैसा कि हमने पहले भी कई प्रोग्रामों में बात की है कि ये जो बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के हवाले से, ये इसका एक पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है, जिनसे अलग करके तो इस इशू को नहीं देखा जा सकता। पहली बात यह है कि इसमें वो लोग शामिल हैं जो किसी न किसी तरीके से भारत में या कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं, मिलिटेंसी में उनको अरेस्ट किया गया या उनको मुख्तलिफ तरीके से जो है
कम्बैट के बाद भाग के वहाँ से आए, मुख्तलिफ उनकी अपनी अपनी वो हैं। तो उसके बाद वो आके तो पाकिस्तान में जो है एक तरह की जो रिहैबिलिटेशन है उसके तहत उनकी रिसेटलमेंट हो गई। कोई किसी मस्जिद का मौलवी बन गया, कोई किसी खैराती इदारे का सरबराह बन गया, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का सदर बन गया। तो इस तरीके से भारत ने ये कहा कि भाई ये जो दहशतगर्द जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की, हम पे हमले किए और हमारे ख़िलाफ़ जो है इन्फिल्ट्रेशन से लेके टेररिज्म तक पूरा एक्टिव रोल प्ले किया, इनको पाकिस्तान में शेल्टर दिया जा रहा है। चूँकि ये एक शेल्टर की शक्ल है कि जब आप उनको इस तरीके से मुख्तलिफ अहदों पे फायज़ होने का मौका दें, जबकि ऐसे लोग जो होते हैं वो एक कांस्टेंट वॉच में होते हैं एजेंसीज और पुलिस की, उनकी हाज़री के जो है वो स्केजल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब है ये शेल्टरिंग हो रही है, बेसिकली फैसिलिटेशन हो रही है। तो इसके खिलाफ जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है जो कि एक इंटरनेशनल में डिस्कशन में रही बहुत अरसा, हम सबको पता है मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से, तो बेसिकली उसके तहत जो है इंडिया ने कहा कि हम भी कार्रवाइयाँ करेंगे जी, जहाँ जहाँ भी हमें कोई शख्स नज़र आया इस तरह का जो मुंसलिक है। अब उसके तहत वहाँ पे जो है वो 12-13 लोग ऑलरेडी मारे गए हैं, जिस पे हुकूमत पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कतन कोई स्टेटमेंट नहीं आई, ना ये एक्नॉलेज किया गया कि वो मारे गए, ना ये कहा गया कि वो भारत ने मारे, और ना उस पे कोई क्लैरिफिकेशन आई कि हमारा उस पे स्टैंड क्या है। तो उसको सामने रखते हुए अब ये रिपीटेड 12-13 एक्सपेरिमेंट करने के बाद भारत अगर कहे कि नो मोर दोसिए या दासिए या ये जो आप कहते हैं, ये अवाम की आसानी के लिए ये फाइल को कहते हैं दोसिए, फ्रेंच लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है एक फाइल, एक पूरा प्रोफाइल एक आदमी का बनाया जाता है। और वो पहले ये होता था कि इस तरह के प्रोफाइल बना के, फाइलें बना के तो यूनाइटेड नेशन में या दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स पे सबमिट की जाती थी इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी कि जी ये हमारे हाँ इन्फिल्ट्रेशन हो गई या दहशतगर्दी हो गई और इसके पीछे किस किस का हाथ है। तो उन्होंने अब उस तजर्बे की रोशनी में कहा कि ये तजर्बा चूँकि कामयाब है तो इसमें हमें ये फाइलों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम कागजी कार्रवाइयाँ करें, इसके बजाय हम डायरेक्टली हिट करेंगे बंदे को वहीं पर जहाँ पर वो हमारे ख़िलाफ़ किसी तरह की किसी सरगर्मी करने के बाद छुपा हुआ है या तैयारी कर रहा है। अब जहाँ तक ये बात है कि क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, अभी 2-3 दिन पहले जो है वो यही पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर जिसको आप कहते हैं उसका एक मशहूर सिटी ऑफ रावला कोट है, उससे 3-4 किलोमीटर अवे एक गाँव है बरमंग, जिसका एक नौजवान जो है वो उस साइड के जम्मू कश्मीर में मारा गया। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और वीडियो में बहुत ज्यादा सीरियस मैटर्स को डिस्कस किया गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और भारत जो है बात करता है 26/11 की बात करता है, भारत पुलवामा की बात करता है, भारत कारगिल को भी डिस्कस करता है, भारत समझौता एक्सप्रेस को भी डिस्कस करता है, भारत तो ये भी कहता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे आपने रिवॉर्ड में क्या किया था। तो ये सारी चीजें जो है ना दोनों के बीच बहुत बड़ी जो है ना कहते हैं ना कि एक फासले हैं दोनों कंट्रीज के बीच जो किसी भी पॉइंट पर एक नहीं हो सकते। जैसे वीडियो में कहा गया कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान कहीं नहीं आता, बिल्कुल सही बात है। जब उनके भारत के फॉरेन मिनिस्टर ये बोल दे कि पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शनल केस, तो आप उनसे क्या डिस्कस करेंगे, क्या भारत हमें सीरियस लेगा?
हमें सीरियस नहीं लेगा, बातों को भी सीरियस नहीं लेता यार, हमें कहां से लेगा। अभी क्या वो मोदी साहब ने बोला कि हम पहले डोजियर्स भेजा करते थे दहशत गर्दों के नाम, उनके फोटोज वगैरह कि ये दहशत गर्दी करके आए या आपके मुल्क में छुप गया है, आप काइंडली आप इसको या तो अपने कोर्ट के मुताबिक सजा दें या हमें वापस इसको कर दें। तो ऐसे बहुत से टेररिस्ट भारत के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, जो कि भारत के कानून के मुताबिक तो सजा के जो है ना मुस्तहिक है, लेकिन पाकिस्तान में मुफरीली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब भारत क्या कर रहा है, भारत जो है बिल्कुल इसराइली एजेंसी की तरह आता है, मारता है, चला जाता है। 21 लोग अब तक जो है पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं जिनका ताल्लुक कश्मीर इन्वॉल्वमेंट में था या फिर भारत के अंदर रहा है। अब इसको ओपन चैलेंज समझ लें, इंडिया की कहते हैं कि पावर समझ लें कि वो मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड ये बातें कह रहा है। अब जैसे चीमा साहब का सवाल था कि भाई ये तो खुल्ला मुखुल्ला दहशत गर्दी है, तो चलो आप एक मिनट मान ले कि ये दहशत गर्दी है, आप क्या कर सकते हो भारत के सामने? वी आर होपलेस, हम बात ही नहीं कर सकते टेररिज्म के ऊपर। ये भी तो चीज है ना, ये किस तरह से उनको पकड़ सकते हैं, अगर उनका कोई इंसान के हाथ में लगेगा तो ये पकड़ेंगे ना, वो तो बता देते हैं लोगों को कि हम ये करने जा रहे हैं, अगर आप लोगों में हिम्मत है तो रोक के दिखा दो, और उनको कोई रोक सकता नहीं। लेकिन एक चीज तो बहुत अच्छी है, दहशतगर्द किसी के भी सगे नहीं होते, ना वो पाकिस्तान के है ना वो इंडिया के, ना वो अपने मुल्क का भी नाम खराब करते हैं। ठीक है, उन्होंने हमारी कंट्री का नाम तो खराब किया ही किया, लेकिन बेहतर ये चीज है कि जिस तरह से यहाँ पे दहशतगर्दों को आके मारा, लेकिन किसी आम इंसान की जान नहीं गई, तो ये चीज भी तो हम देखें ना कि वो जस्ट उन्हीं लोगों को मार रहे हैं जिन लोगों ने बेकसूर लोगों की जानें ली थी। तो ये जो पॉइंट है ना कि भारत दहशतगर्दी करा रहा है, ये उस लेवल पे नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी किसी न किसी कोर्ट में जो है ना उनके ऊपर जो है क्राइम साबित हो चुका है। लेकिन बात यह है कि आखिर यार 77 साल हो गए, दो मुल्क कब तक इतनी नफरत एक दूसरे को लेके करते रहेंगे? इंडिया देख ले, पाकिस्तान देख ले, आधी से ज्यादा आवाम कहती है हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, पाकिस्तान से बात करो, हमें इंडिया नहीं चाहिए। भाई ठीक है, दोनों को नहीं चाहिए, ठीक है नहीं चाहते, लेकिन कम से कम इतना तो ग्राउंड बना ले कि आप दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट तो कर पाए ना। अब कश्मीर इशू, अब इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं कि कश्मीर इश्यूज उनके सामने बहुत अब छोटा दिखने लग गया, लेकिन पाकिस्तान का इसके ऊपर बड़ा एक होमवर्क रहा है 77 सालों से, हर फोरम को कश्मीर के नाम पर इस्तेमाल किया गया है। तो हुकूमत तो अपने स्टांस पे ही खड़ी है, वो पीछे नहीं हट रही। भारत बायलैटरल टॉक नहीं कर रहा, मल्टीलैटरल का कश्मीर से अब कोई ताल्लुक नहीं रहा, तो ये पूरा एक खीर बन चुकी है, बल्कि हलवा है ये, इतना ये इंडिया पाकिस्तान के मैटर अब हलवा बन चुके हैं, इसका कोई सिर पैर ही नहीं है। ये पता नहीं कैसी गवर्नमेंट पाकिस्तान के लीडर्स भी आके नहीं सुलझा सकते, ये नहीं सुलझ सकता दोस्तों। हाँ, जहां तक पब्लिक टू पब्लिक इंटरेक्शन है, बहुत से पाकिस्तानी इंडिया विजिट करते हैं, इंडियन भी पाकिस्तानी आ जाते हैं, अभी ननकाना साहब सिख बरादरी आई हुई थी आते जाते हैं, भाई पब्लिक टू पब्लिक डीलिंग ठीक है, ये गवर्नमेंट आपस में कब बैठेगी, कब ये सब चीजें ठीक होंगी, कहते हैं ना होप फॉर द बेस्ट, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच ज्यादा नहीं, तो ये इतनी जो नफरतें हैं ये कहीं ना कहीं जो है ना खत्म हो जाए। इतने मुल्क हैं, हमने कभी किसी को ऐसे लड़ते नहीं देखा, चाइना को देख लो, हमने ऐसे लड़ते नहीं देखा जिस तरह हम दो कंट्रीज आपस में जो है ना उलझ चुके हैं। चाइना के लोग तो भारत में जाते हैं, हम लोग तो भारत में भी एंटर नहीं हो सकते यार, इतनी ज्यादा यार इतना वो, जैसे पासपोर्ट का बहुत ज्यादा फर्क है, पाकिस्तानियों के पास इंटरनेशनल पासपोर्ट है, वो जा रहे हैं, तो भारत को पाकिस्तानियों से मसला नहीं है, पासपोर्ट से ही भाई सीधा पाकिस्तान से क्यों आ रहा है, अगर आप जर्मनी से पाकिस्तानी इंडिया में आता है, फ्रांस से आता है, कनाडा से आता है, तो उन पाकिस्तानियों से भारत को मसला नहीं है, लेकिन जो ग्रीन पासपोर्ट लेके अंदर आएगा उनसे उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपकी क्या राय है इस संगीन मैटर के ऊपर, जरूर शेयर करें, हमारे साथ मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, गॉड ब्लेस यू।